हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैनवा से एक और न्यू थंबनेल का डिजाइन बनाना, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है और आप सभी में से जो है कोई भी जो है इस डिजाइन को बना सकते हैं। बस आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है, बहुत छोटा सा वीडियो है। और जो भी इसके अंदर मैं एलिमेंट यूज कर रहा हूँ उसका डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, ठीक है, तो वहां से आप जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको उस फाइल के ऊपर पासवर्ड लगा हुआ दिख रहा है तो आप वीडियो के अंदर में से आपको वीडियो में कहीं रैंडम जगह पे आपको वीडियो, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं पर भी आपको एक जगह पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा उस फाइल का, तो आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको फाइल डाउनलोड करने के बाद पासवर्ड भी मिल जाए और आपको कैसे डिजाइन करना है ये भी समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम कैनवा से जो है एक और डिजाइन बनाना सीखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए, और बाकी एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। सबसे पहले जो है आपको canva.com खोल लेना है, ठीक है, गूगल पर सर्च कर सकते हैं सिंपली कैनवा। और ये प्रोसेस जो है आप किसी भी पिक्सल लैब में भी कर सकते हैं और आप कैनवा में करना चाहें तो कैनवा में भी कर सकते हैं, तो मोबाइल और कंप्यूटर आप दोनों से भी कर सकते हैं जो चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको यहाँ से जाना है क्रिएट अ साइज पे, यहाँ से यूट्यूब थंबनेल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली आपको जो है एक ब्लैंक शीट आ जाएगा, या फिर यहाँ पे कस्टम साइज करके यहाँ पे आपको थंबनेल का जो साइज होता है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको फिल करता हूँ और यहाँ से क्रिएट अ न्यू डिजाइन पे क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है एक ब्लैंक टेम्पलेट हमारे पास आ गया है, ब्लैंक शीट आ गया है। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक फाइल मिलेगा, ठीक है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और उसको यहाँ पे पहले अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये सभी फाइल्स हैं, तो इसको मैं यहाँ से अपलोड कर ले रहा हूँ फटाफट इसको यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो है बैकग्राउंड को ले लेते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड है, इसको ला करके यहाँ पे पूरे पे जो है स्ट्रेच करके यहाँ पे फैला देना है, यहाँ पे खींचेंगे इस तरह से फैल जाएगा। यहाँ से लॉक कर देना है, ये लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है सेकेंड नंबर पे ये वाइट वाला जो है इसको लेना है, तो इसको यहाँ पे इसको पहले सीट को अनलॉक करते हैं, यहाँ से लॉक करते हैं और इसको लेके आना है, ठीक है, और इसको यहाँ से सेम वही करना है। ये जो साइड साइड में जो ये नेविगेशन वाला जो बॉक्स दिख रहा है इसको पूरा कॉर्नर नीचे तक ऐसे टच करवा देना है, ये अपने आप फैल करके पूरा उतने में आ जाएगा। उसके बाद जो आपको इसको करंट अफेयर को ले आना है, इसको भी सेम उसी प्रोसेस से जो है इसको पूरा स्ट्रेच करके यहाँ पे फैला देना है, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भी हमारा आ गया है। उसके बाद क्या करना है आपको जो है यहाँ पे एक यहाँ पे एलिमेंट में जाएंगे और आपको यहाँ पे एक वाइट एक बॉक्स लेना है, तो यहाँ से वाइट शेप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो एक शेप यहाँ पे आ जाएगा, तो शेप को हमें यहाँ पे साइड में ले आना है, ठीक है, और इसको इस तरह से खींच लेना है और कुछ इस तरीके से, और इसका यहाँ से कलर जो है वाइट कर देते हैं, तो ये वाइट हो गया, ठीक है, और इसको राइट क्लिक करके जो है यहाँ से सेंड टू बैक कर देना है, ठीक है, ताकि ये वाला ऊपर आ जाए नीचे चला जाए, परफेक्ट। उसके बाद जो है दोबारा से अपलोड में जाना है और अपना जो है फोटो यहाँ से ले लेना है, तो ये हमारा फोटो आ गया है, तो फोटो को यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे एक न्यूज़ का जो मैंने यहाँ पे लोगो ले रखा है तो इसको मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ, तो ये हमारा यहाँ पे ये आ गया, तो इसको भी सेम उसी तरीके से जो है ऐसे फैला देंगे, अपने आप जो है जहाँ पे पोजीशन है वो अपने आप वहाँ पे आ जाएगा। फिर ये कि ये फिर इस शेप को लेके आना है और इस शेप को जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है, और उसके बाद जो है एक यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है हमें, तो चलिए फटाफट हम टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है आपको जाना है टेक्स्ट में और टेक्स्ट से जाकर के यहाँ पे ऐड अ हेडिंग पे जाना है, हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको इसके ऊपर यहाँ पे ले जाके रख देता हूँ। उसके बाद जो इसको यहाँ से बोल्ड कर देना है, यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज करूँगा, ठीक है, फॉन्ट कोई और हम लेते हैं, तो फॉन्ट हम ये भी ले सकते हैं या फिर तो ये पॉपिन एक्स्ट्रा बोल्ड जो आ रहा है हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, और इसको स्ट्रेच करके जो है पूरे में फैला देते हैं कुछ इस तरीके से, परफेक्ट। और कलर यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो कलर हम कलर पिकर से हम इसी के अंदर से एक कलर ले लेते हैं, तो इस कलर को हम ले लेते हैं या फिर इसको और हल्का सा डार्क कर देते हैं, तो कुछ इस तरीके से जो है ये यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे डेट मेंशन करना है, तो एक और यहाँ से हेडिंग लेंगे और इसके ऊपर जो है हम लिख देते हैं 5 OCT अक्टूबर, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे
साइज हल्का सा डिक्रीज करेंगे और इसको भी जो है पॉप इन एक्स्ट्रा बोल्ड में ही रखेंगे, और इसको बोल्ड से थोड़ा सा कम रखते हैं, पॉप इन मीडियम ज़्यादा, यहाँ से इसको हल्का सा और बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ से दोबारा से टेक्स्ट लेना है, यहाँ पे करना है प्लस, ठीक है। और प्लस का कलर जो है यहाँ से चेंज करेंगे, इसका कलर हम करेंगे वाइट, और इसको हम कर देंगे एक्स्ट्रा बोल्ड, और इसको हम उठा करके रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हल्का सा बड़ा भी कर देंगे, बस इसमें आपको अलाइन करना है चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, बाकी चीज़ें मैंने पहले से ही इसमें बना रखा है तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक और मैं इसको डुप्लीकेट कॉपी लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा स्टैटिक, ठीक है, एंटर जी के, और इसको हम कैप्स लॉक में कर देंगे। और इसके बीच की हम थोड़ी सी स्पेसिंग कम करेंगे, तो यहाँ से जाएंगे और यहाँ से लाइन स्पेसिंग में जा करके हल्का सा इसके बीच की स्पेसिंग कम कर देंगे, ठीक है। और इसको हल्का सा ऐसे रोटेट कर देंगे और इसको यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख देंगे, और इसको हल्का सा साइज छोटा कर देंगे। साइज छोटा करके जो है आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ अलाइन करना है इसको, ठीक है। और थोड़ा सा और इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, बाकी थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर रहा हूँ नीचे, तो उस लाइन को यहाँ पे ले आते हैं, तो यहाँ से मैं इसको एल्ट दबा के जो है खींचूँगा तो डुप्लीकेट कॉपी हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन आ गया है, इसका मैं साइज थोड़ा कम करता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इसका कलर हम कर देते हैं पूरा फुल ब्लैक, तो यहाँ से ये ब्लैक हो गया, और इसको हम यहाँ पे सही तरीके से यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया है, इसको हम एक्स्ट्रा बोल्ड में रखते हैं, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर तरीके से विजुअल हो। और इसको हम थोड़ा सा और अलाइन कर देते हैं सही तरीके से, इसको भी हम जो है एक्स्ट्रा बोल्ड ही कर देते हैं, ये भी प्रॉपर तरीके से विजुअल नहीं हो रहा है, तो ये भी एक्स्ट्रा बोल्ड में रहने देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, ठीक है। नीचे एक लाइन और हम ऐड करेंगे, तो उसको हम ले आते हैं, तो यहाँ से ऐड आई हेडिंग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से दोबारा से हम लाइन को ले आएंगे और दोबारा से एक्स्ट्रा बोल्ड, और अगेन इसको उठा करके हम यहाँ नीचे रख देंगे, और इसका कलर हम यहाँ से चेंज करके वाइट कर देंगे और साइज इससे छोटा करेंगे, ठीक है, परफेक्ट। और बाकी यहाँ पे जो है आप अपना लोगो लगा सकते हैं, और बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी कुछ कुछ चीज़ें और मैं ऐड ऑन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से जाएंगे एलिमेंट में, यहाँ पे क्लिक सर्च करेंगे कैलेंडर, एंटर, तो यहाँ पे कैलेंडर वाले जो है आपको आइकन दिखेंगे, तो इसको मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इसका साइज छोटा कर रहा हूँ और इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एक लाइव का आइकन लेंगे, लाइव, तो यहाँ पे देखेंगे लाइव कुछ इस तरीके से एक आ रहा है ना, तो यहाँ से मैं इसको ले रहा हूँ और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। या फिर और यहाँ पे नीचे रख सकते हैं, यहाँ पे आप ऊपर में लोगो लगा सकते हैं, और लाइव के नीचे जो है हम एक चीज और मेंशन कर सकते हैं, वो है टाइमर। तो यहाँ से हम जो है एक डुप्लीकेट कॉपी लेकर के यहाँ पे जो है जैसे 6 AM मान लीजिए, हाँ 6 AM, और इसको हम सही तरीके से यहाँ पे अलाइन कर देते हैं, ठीक है। और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, तो कलर यहाँ से जाकर के हम दोबारा से इसको हम फुल ब्लैक ही कर देते हैं टाइमिंग को भी, और कुछ इस तरीके से जो है रेडी हो गया है। बाकी यहाँ से आपको एलिमेंट में जाकर के जो है यहाँ से एक चीज़ और सर्च करना है, दोबारा से आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए यहाँ से, और रेक्टेंगल को हम कुछ इस तरीके से रखेंगे, और इसका हम साइज थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसका कलर हम वाइट कर देंगे,
ठीक है, और इसको हम उठा करके जो है यहाँ पे लेके आएंगे, और यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे ताकि हम टीचर का नाम मेंशन कर सकें, है ना। तो इसके ऊपर हम दोबारा से यहाँ से जाएंगे टेक्स्ट में, एक यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हैं ऐड टेक्स्ट, और यहाँ से जो है जैसे गौतम सर आप अपना नाम मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ से जो है पॉप इन मीडियम ले लेते हैं, ठीक है, और दोबारा से इसको हम उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और सही तरीके से इसको हम फिट कर देते हैं यहाँ पे। कैप्स लॉक में फुल करता हूँ, कैप्स लॉक कर दीजिए इसको, और बाकी एक्स्ट्रा बोल्ड करना हो तो एक्स्ट्रा बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर लीजिए। दोनों को सिलेक्ट करेंगे और हल्का सा रोटेट कर देंगे कुछ इस तरीके से, शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे और दोनों को सिलेक्ट करेंगे, दोनों सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे कुछ इस तरह से जो है हमारा फाइनल जो है डिजाइन बन के तैयार हो गया है। आप इस फाइल को जब डाउनलोड करेंगे तो उसके ऊपर जो है पासवर्ड आपको दिख रहा होगा, तो आपको वीडियो में आपको कहीं ना कहीं पासवर्ड देखने को मिल गया होगा, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है बिना स्किप किए, ठीक है। जब पूरा बन जाएगा तो उसके बाद जो है यहाँ से शेयर पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ से डाउनलोड, और डाउनलोड में जाकर के आपको PNG पे करेंगे तो थोड़ा हाई क्वालिटी में डाउनलोड हो जाएगा, तो यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आप देखेंगे यहाँ से डाउनलोड हो रहा है। बाकी आप डेली जो है इसमें कैनवा में फाइल को सेव करके रख सकते हैं और आकर के यहाँ पे डेट को डेली आके चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो है इसको यूज कर सकते हैं, है ना। बस इतना ही था। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के और भी न्यू वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।